हेलो फ्रेंड्स, VFX मैजिक चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं कैसे आप आपके फुटेज में कोई भी CG एलिमेंट ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैंने आज ये जो कार है इसको मैंने ऐड किया है अपने फुटेज में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरे पास एक फुटेज है और इसी में आज मैं अपना जो 3D कार है उसको ऐड करूंगा। तो उसके लिए मुझे पहले क्या करना है, एक कैमरा ट्रैकर लेना है। कैमरा ट्रैकर लेने के बाद इसको थोड़ा सा पहले मैं ग्रेड कर लेता हूँ। ताकि सही से कैमरा ट्रैकर हमें मिले, सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ पे 300 कर देंगे और ये दोनों ऑन कर देंगे। इसके बाद फटाफट चेक कर लेते हैं। तो ट्रैक होने के लिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है, आपके फुटेज के ऊपर डिपेंड करेगा। और कैमरा ट्रैकर के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा हूँ, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। उसके बाद हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सॉल्व हो गया, कुछ हमें अनवांटेड पॉइंट्स है वो नहीं चाहिए, तो वो हटा देंगे पहले। तो डिलीट अनसॉल्व, यस। डिलीट रिजेक्टेड, यस। अभी जाएंगे तो देखते हैं कि एरर पॉइंट कितना आया। तो एरर पॉइंट अगर 1 से कम आता तो काफ़ी अच्छा है, तो अभी आ रहा है 0.88, तो काफ़ी अच्छा है ये पॉइंट। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे एक सीन क्रिएट करना है। सीन में जाके ये लिंक हटा के क्रिएट कर देंगे, तो हमें एक सीन मिल गया। तो अभी ये कैमरा ट्रैकर और ग्रेड नोट को साइड में कर देते हैं। तो देखिए 3D में ऐसे पॉइंटर हमें मिल चुका है। उसके बाद हमें एक रीच जियो लेना है, जो हम लोग का 3D ऑब्जेक्ट है उसको पहले सिलेक्ट करना है। तो मैंने 3D ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया और ओपन कर दिया। F प्रेस करना है। तो देखिए मेरा जो 3D ऑब्जेक्ट है ये काफ़ी लो पॉली मॉडल है, तो इसको मैंने इंपोर्ट कर लिया अभी। लेकिन इसके ऊपर कोई भी टेक्सचर नहीं है, तो टेक्सचर के लिए क्या करना पड़ेगा, टेक्सचर के लिए हमें जो मेरा फोल्डर है, तो उसके एक फोल्डर के अंदर मेरा 3D अपना फाइल है और दूसरा एक फोल्डर के अंदर मेरा टेक्सचर है। तो मुझे टेक्सचर पहले कॉपी करना है। तो अलग अलग कुछ पासेस है, तो वो पासेस हम लोग आज यूज नहीं करने वाले, सिर्फ एक जो टेक्सचर है तो वो टेक्सचर हमें यूज करना है। तो बाकी को हटा देता हूँ और टेक्सचर को ये इमेज से कनेक्ट करना है। तो देखिए इसके ऊपर टेक्सचर आ चुका है, लेकिन अभी भी हम लोग इसको ट्रांसफॉर्म अगर करना है तो उसके लिए क्या करना है, TRANS ट्रांसफॉर्म जियो, एक ट्रांसफॉर्म जियो लेना है और ये सीन से ऐसे कनेक्ट कर देना है। उसके बाद हमें क्या करना है, एक स्कैन लाइन रेंडर लेना है और इसको ऐसे नीचे कर देंगे, फुटेज को कॉपी कर लेंगे और जो ये हम लोग का कैमरा है कैमरा में जाएगा और ये जो सीन है बीजी है, बीजी अपना फुटेज में जाएगा ऐसे। उसके बाद एक मर्ज नोड लेंगे, ये यहाँ से कनेक्ट कर देंगे और ये यहाँ से, मतलब हम लोग का जो 3D ऑब्जेक्ट है तो इसको फोरग्राउंड में रखना है और अपना जो फुटेज है वो बैकग्राउंड में जाएगा। लेकिन अभी भी अपना जो कार है वो सीन में नहीं दिख रहा है, उसका पोजीशन कहीं अलग ही है। आप देख पा रहे कैमरा इधर है और लेकिन अपना जो कार है तो उसका पोजीशन अलग है। तो अभी हमें क्या करना है, फिर से यहाँ पे कैमरा ट्रैकर में जाना है
और कैमरा ट्रैकर में कोई भी एक अच्छा पॉइंट हम लोग पहले सिलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट लेते हैं, इसको हमें राइट क्लिक करना है, ग्राउंड प्लेन सेट टू सिलेक्ट। तो ये ग्राउंड प्लेन के लिए सिलेक्ट हो चुका है। फिर से हमें राइट क्लिक करना है, क्रिएट कार्ड। तो हमें एक कार्ड मिल चुका है और इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं मैं ऐसे। यहाँ पे सीन से हम लोग ये कार्ड को कनेक्ट कर देंगे ऐसे। अभी यहाँ पे देखते हैं, तो देखिए कार्ड ऐसे आ चुका है। तो कार्ड को अभी के लिए हाइड कर देंगे। और ये कार्ड हम लोग ने क्यों क्रिएट किया है, क्योंकि हमें जो कार्ड है उसका शेडो क्रिएट करना है। अभी कार का प्लेसमेंट हम लोग ठीक कर लेते हैं। तो कार का प्लेसमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, जिस पॉइंट से हम लोग ने कार्ड जनरेट किया था, तो उसी को सिलेक्ट करना है फिर से। तो और फिर से राइट क्लिक करना है, ट्रैक कॉपी में जाके यहाँ पे ट्रांसलेट सिलेक्ट करना है। और ये ट्रांसफॉर्म में जियो में जाने के बाद ये ट्रांसलेट में जाके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और उसके बाद फिर से हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा, राइट क्लिक कॉपी एक्स वाई जेड रोटेट। उसके बाद फिर से यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद रोटेशन में जाने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो अभी टैब दबा के देखते हैं, तो देखिए ये पोजीशन तो हो गया, लेकिन फिर भी यहाँ पर सीन में हमें दिखाई नहीं दे रहा है कार। कार यहाँ पे दिख रहा है। तो ये जो कार का साइज है काफी बड़ा है, तो इसको हमें छोटा करना है अभी। तो ये जो यूनिफॉर्म स्केल है, तो इसको ऐसे, ये काफी हमें 0.02। तो देखिए यहाँ पे मैंने यूनिफॉर्म स्केल में इसको बहुत छोटा कर दिया, तो ये अभी दिखने लगा है कार। और इसको हमें थोड़ा सा यहाँ से चेंज करके देख सकते हैं इसे, रोटेशन। उसके बाद और भी थोड़ा सा रोटेट कर लेंगे। तो देखिए ये कार का पोजीशन अभी ठीक ठाक लग रहा है, और आपके हिसाब से थोड़ा सा और भी इसको रोटेट कर सकते हो। तो अभी काफी ठीक लग रहा है, ये सही है। और स्केल आप थोड़ा सा कम या ज्यादा कर सकते हो आपका शॉट के हिसाब से। उसके बाद हमें क्या करना है, अभी ये प्री मल्टीप्लाई यूज नहीं किया है हम लोग ने, तो इसलिए फुटेज काफी ब्राइट लग रहा है, फुटेज का कलर ऐसा है। लेकिन अपना जो 3D मॉडल है इसको डालने के बाद प्री मल्टीप्लाई नहीं किया, तो इसलिए अल्फा डबल हो चुका है। तो इसके लिए हमें एक प्री मल्टीप्लाई यूज करना पड़ेगा। तो जैसे प्री मल्टीप्लाई यूज किया हम लोग ने, तो अल्फा को कट करके सिर्फ ये कार को ही लेके आएंगे अभी। और ऊपर से यहाँ पे जो पॉइंट क्लाउड है, तो उसको हम लोग अभी ऑफ कर देंगे, ये नहीं चाहिए हमें। अभी शेडो कार का पोजीशन हो गया, ये डिफॉल्ट लाइटिंग है, लेकिन हमें खुद का लाइट क्रिएट करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक लाइट लेंगे और ये भी सीन से कनेक्ट कर देंगे। तो जैसे मैंने सीन से कनेक्ट किया, तो ये कार जो है काफी डार्क लग रहा है। तो ये स्पॉटलाइट लेंगे एक अभी के लिए। तो स्पॉटलाइट लेने के बाद यहाँ पे फिर से 3D मोड में जाएंगे, और पहले देखते हैं कि लाइट का पोजीशन किधर है। लाइट का पोजीशन हमें ठीक करना है 3D मोड में। तो ये लाइट को डबल क्लिक करेंगे और उसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे, और हमें देखना है कि ये कार कहाँ पे है हम लोग का। तो कार इधर है और लाइट इधर है,
तो हमें इसको मैन्युअली थोड़ा सा एडजस्ट करना है ऐसे, और हमें कंट्रोल प्रेस करके इसका ऐसे एंगल हम लोग सेट कर सकते हैं। तो ये काफी ऊपर चला गया, तो अभी ऐसे उसको एडजस्ट कर लिया मैंने। अभी देखते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा लाइट आ चुका है, ये ऑन ऑफ करके देखते हैं। तो देखिए थोड़ा सा लाइट आ चुका है, और इसमें थोड़ा सा हमें चेंजेस करना पड़ेगा, इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं। तो इंटेंसिटी अभी सही लग रहा है, लेकिन अभी भी यहाँ पे शेडो जेनरेट नहीं हुआ है। तो शेडो जेनरेट करने के लिए हमें और क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे शेडो में जाएंगे, यहाँ पे कास्ट शेडो कर देंगे। तो देखिए शेडो यहाँ पे जेनरेट हो रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे ग्राउंड में नहीं आ रहा है। तो ग्राउंड में लाने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे न्यू करेंगे, यहाँ पे POINT.SHADOW एक नया शेडो लेयर जेनरेट करेंगे। और मैंने जो नया आउटपुट मास्क में एक मास्क मैंने क्रिएट किया है, तो उसी को अभी यूज़ करेंगे। और स्कैन लैंडर, हाँ मार्स में जाने के बाद यहाँ पे भी ऑल्सो मार्स है, तो ऑल्सो मार्स में जाके यहाँ पे फिर से पॉइंट शेडो सिलेक्ट करना है, लेकिन अभी भी शेडो नहीं आ रहा है। एक्चुअली शेडो जेनरेट हो चुका है, लेकिन इसको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक कलर करेक्शन नोड लेना है हमें। कलर करेक्शन नोड में जाने के बाद, यहाँ पे रेंज में जाने के बाद मास्क में यहाँ पे पॉइंट शेडो सिलेक्ट करना है, अब जाके इसका इफेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हमें गेन में जाके, सॉरी ये कार्ड ऑफ है तो कार्ड ऑन करना पड़ेगा। तो कार्ड का हम लोग ने बाकी सब हम लोग ठीक कर लिया, लेकिन कार्ड का पोजीशन हम लोग ने अभी तक देखा नहीं। तो कार्ड का पोजीशन हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाके -90 कर देंगे, तो ग्राउंड प्लेन मिल चुका है। टैब दबा के देखेंगे तो ऐसा देखने के लिए मिलेगा। अभी ये थोड़ा सा छोटा लग रहा है, तो यूनिफॉर्म स्केल में जाके थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, ये काफी बड़ा हो गया। तो अभी 10 कर देते हैं, 10 सही लग रहा है। हमें अभी क्या करना है कि ये जो ग्राउंड है वो नहीं दिखना चाहिए, लेकिन सिर्फ गाड़ी का जो शेडो है सिर्फ वही दिखना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक फिल मैट लेना है। फिल मैट को यहाँ पे कार्ड से कनेक्ट करेंगे, तो देखिए जैसे कार्ड से कनेक्ट किया मैंने, तो वो कार्ड भी गायब हो जाएगा। और उसके बाद और एक चीज लेना है, फॉग सीरर। तो ये दोनों से ही हम लोग अभी यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जैसे मैंने ये दोनों को यूज किया, ये फिल मैट से सिर्फ मैट को कट कर दिया, और जो फॉग है इससे जो शेडो है वो जो कार्ड है उसमें आ जाएगा। लेकिन अभी भी ये जो शेडो है थोड़ा सा अलग लग रहा है, इसका पोजीशन वगैरह मैच करना है। तो लाइट जो है तो उसका पोजीशन हम लोग चेंज करके ये शेडो का पोजीशन भी सही कर सकते हैं। तो थोड़ा सा उसका एंगल वगैरह मैं सेट कर लेता हूँ, बीच बीच में जाके हम लोग को देखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे शेडो आ चुका है, इसे 3D मोड में जाएंगे टैब दबा के, और उसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं,
तो देखिए अभी शेडो काफी हद तक सही लग रहा है, लेकिन ये आप देख पा रहे होंगे काफी हद तक सामने वाला जो एरिया है ये ब्लैक हो गया। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अलग अलग हमें लाइट भी यूज करना पड़ेगा। तो एक लाइट से हम लोगों ने जो बेसिक लाइटिंग है वो हम लोगों ने कर दिया, उसके बाद और एक दो लाइट लेंगे। और इसको फिर से हमें सीन से कनेक्ट करना पड़ेगा, और बाकी जो लाइट है उसमें हम लोग शेडो जनरेट नहीं करेंगे, एक ही लाइट से हम लोग शेडो जनरेट करेंगे। तो अभी जो ये लाइट है इसका पोजीशन हम लोग देख लेते हैं। तो ये एक लाइट है, तो इसका पोजीशन हम लोग ठीक कर लेते हैं। तो देखिए सामने जो पार्ट पहले डार्क लग रहा था तो अभी थोड़ा सा दिखने लगा है, लेकिन इसका इंटेंसिटी थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। ये काफी ज्यादा हो गया, 4 सही लग रहा है। और इसका कलर थोड़ा सा हम लोग को चेंज करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे ब्लूइश टिंट है या कुछ वायलेट कलर का कलर है, तो वहां पे यहाँ से हमें वैसे ही कुछ कलर पिक करना पड़ेगा। तो एक लाइट ये हो चुका है, उसके बाद और एक लाइट हम लोग यूज करने वाले हैं, ये हम लोग का मेन लाइट है। तो ये और एक लाइट ले लिया मैंने, और इसको भी हम लोग पोजीशन कर लेते हैं पहले, इसको यहाँ पे कहीं पे रख देंगे। इसका इफेक्ट कितना हो रहा है वो देखते हैं। तो देखिए ऐसे दो या तीन जब लाइट हम लोग यूज करते हैं तो उसका डेप्थ जो है और निखर के आएगा सही से। अभी ये लाइट का कलर भी थोड़ा सा हम लोग चेंज कर देंगे, ऐसे जैसे कि शाम का कलर है और थोड़ा सा धूप निकला हुआ है, तो वैसा कुछ कलर हम लोग रखेंगे इसका। तो यहाँ तक हो चुका है, और ये गाड़ी का प्लेसमेंट भी हो चुका है। अभी ये ऑन ऑफ करके देखते एक बार। तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस हो चुका है, राइट। और एक बार फिर से 3D में जाके देखते हैं। आपको हमेशा ध्यान देना है कि ये जो ग्राउंड प्लेन हम लोग ने जेनरेट किया था तो ये गाड़ी से काफी क्लोज होना चाहिए, मतलब अगर ये प्लेन काफी नीचे रहेगा तो शेडो ऐसा लगेगा कि ये फ्लोट हो रहा है, मतलब शेडो जेनरेट करने के लिए गाड़ी ये कार से काफी नजदीक होना चाहिए ये प्लेन। तो यहाँ तक हो चुका है, अभी ये शेडो के ऊपर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये टूटा फूटा जैसा लग रहा है शेडोस, तो उसके लिए हमें क्या करना है, स्कैनर रेंडर में जाएंगे, यहाँ पे मल्टी सैंपल में जाएंगे, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा देंगे, जितना आप बढ़ाओगे वैल्यूज तो उतना ये शेडो स्मूथ होते जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान देना है, जैसे ही हम लोग सैंपल वैल्यू बढ़ाएंगे तो भले ये शेडो स्मूथ हो जाएगा लेकिन काफी हैवी भी हो जाएगा। अभी क्या है, यहाँ तक हो चुका है, और अभी ये स्टक हो गया, यहाँ तक हो चुका है, और हमें यहाँ पे जो टायर एरिया है ये काफी अभी डार्क लग रहा है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये जो कलर करेक्शन नोड है तो कलर करेक्शन नोड में जाके ये शेडो जो है शेडो में जाके गेन में थोड़ा सा उसे बढ़ा देंगे। तो देखिए गामा और गेन जैसे मैंने बढ़ाया तो ये जो डार्क एरिया था तो उसमें भी थोड़ा सा कलर आ चुका है, पहले बिल्कुल डार्क था अभी थोड़ा सा ये दिखने लगा है। तो यहाँ तक हो चुका है, उसके बाद लास्ट एक चीज मैं करने वाला हूँ, तो वो क्या है, ये ग्लास जो है ये सॉलिड लग रहा है, राइट, ये ट्रांसपेरेंट नहीं लग रहा है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा,
जो अपना इनपुट है, इनपुट से ही मैं थोड़ा सा रिवील कर दूंगा। इसके लिए एक कॉपी नोट लेंगे, बी यहां से, ए के लिए एक रोटो लेंगे, एक प्री मल्टीप्लाई लेंगे, एक मर्ज लेंगे और यहां से कनेक्ट कर देंगे। यहां पे एक रोटो सेप हम लोग ड्रॉ करेंगे। ऐसे, और इसके लिए भी एक ऐसे एक रोटो सेप ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए ये पूरा अभी फुल ट्रांसपेरेंट हो गया, तो इतना हमें ट्रांसपेरेंसी नहीं चाहिए। तो इसको क्या करना है, दोनों ही शेप को पहले सिलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पे ऑपेसिटी थोड़ा सा हम लोग डाउन कर देंगे ऐसे। तो देखिए, तो ये एरिया जो है अभी जैसे मैंने ये डाला है तो इसके कारण ये ट्रांसपेरेंसी आ गया इसका। और लेकिन ये जो मेरा रोटो है ये अभी ट्रैक में नहीं है, तो ये कुछ फ्रेम के बाद ये स्किप हो जाएगा। तो अभी हमें क्या करना है, एक ट्रैकर लेना है, 4 पॉइंट ट्रैक लेंगे और इसको हम लोग इससे ऐड कर देंगे। यहां से ट्रैक करेंगे, तो इसके बाद थोड़ा सा ट्वीकिंग करने के बाद मैं इसका फाइनल आउटपुट आपको दिखाता हूं। तो देखिए दोस्तों, इसका ये फाइनल आउटपुट है और मैं इसका ये देखिए वाइप करके दिखाता हूँ। तो देखिए ये शेडो भी आ चुका है और अपना जो कार है 3D मॉडल तो ये भी प्लेस हो चुका है। तो दोस्तों आज का वीडियो में इतना ही था, और आज के वीडियो से रिलेटेड आपको कुछ भी अगर डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं आपको ज़रूर हेल्प करने के लिए ट्राई करूँगा। और आज का वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा, और आप अगर मेरे चैनल में पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।